मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सैफ बदर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरसीज वॉरियर्स को इन किंगडम वैली केपीएल सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड ऑल गुड। सैफ जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, उन्होंने अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सेंट्रल पंजाब से खेलते हैं डोमेस्टिक में। और तो मुझे बताइए कि सैफ आपका जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं केपीएल से और आपका टारगेट क्या है? बिल्कुल, किसी भी टीम में जब आप खेलते हो तो आपका जो मेन एक अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि आप चैंपियन हो। तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, आप गेम बाय गेम खेलते हो और कोशिश करते हो कि आप मैक्सिमम जितना अच्छा कर सकते हो अपनी टीम के लिए वो करने की कोशिश करो। और आप अपने लिए अपनी जो स्ट्रेंथ है आपकी सैफ, वो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी जो बैटिंग होती है वो किस सिनेरियो में, किस सर्कमस्टांसिस में होती है? आई थिंक एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको किसी भी सिचुएशन पे जो जैसे भी आपकी टीम आपसे चाहती है और जो उस टाइम टीम की डिमांड होती है उस हिसाब से आपको खेलना पड़ता है और आपको सिर्फ ये ट्राई करना होता है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, ताकि बेशक आप छोटी सी परफॉर्मेंस हो या बड़ी हो तो आपकी टीम को वो जीतने में हेल्प करें। और एज अ व्यूअर या एज अ पर्सन जो कि मैच देख रहा होता है, आपके लिए T20s में ज़्यादा एक्साइटिंग क्या होता है, एक हाई स्कोरिंग मैच या एक लो स्कोरिंग थ्रिलर? बिल्कुल, हाई स्कोरिंग गेम्स देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, तो T20 इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सैफ एंड गुड लक टू यू एंड योर टीम फॉर केपीएल सीजन। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.